यूपी के मुजादपुर गांव से आई आवाज, बच्चों ने दिया नारा, हमारे मास्टर पूरे करो। इतना ही नहीं, क्रोधित ग्रामीणों ने स्कूल को ताला लगा दिया और बाहर गेट पर रोष प्रदर्शन किया। स्कूलों में टीचरों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है और गरीब परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में असमर्थ हैं। 5,000 फीस की वृद्धि का बच्चे चाहिए जी। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी तीसरा चौड़े की कुर्जाऊंगी पढ़ने नमी तो स्कूल कर रखा है। नहीं होगा तो फिर कैसे पढ़ेंगे? 12वीं तो तुम्हारा स्कूल होना चाहिए इस गांव में, और बच्चों के लिए टीचर होने चाहिए, पूरे मास्टर होने चाहिए जी, और 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए। खड़ी हड़ताल करो, हमारे मास्टर पूरे 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 करो। जी से हमारा यही कहना है कि हमारा स्टाफ पूरा करे, और नो पोस्ट की और उनमें से एक भी नहीं आ रही। हमारा संस्कृत और एसएस मैथ हिंदी ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला भी यहाँ पे कोई नहीं है। जल्दी से जल्दी करके हमारा स्टाफ पूरा करेगा। आप जो नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा भी पूरा करो और हमारे भविष्य को बचाओ। राजकीय उच्च विद्यालय मुजादपुर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाया गया है, इसके तहत जो स्कूल के ऊपर जो ताला लगाया गया है, ये इसका क्या तात्पर्य है बंद करने का? ये हमारे गांव में जो है वो नो कॉस्ट टोटल, लेकिन अब जो है केवल एक अध्यापक शेष बचा है पक्का, और एक एस टीचर है, यानी कि कम से कम 7 पोस्ट जो है वो कैप कर दी गई है, यानी कि मर्ज कर दी गई है। बल्कि हम तो हमारी भाषा में ये कहेंगे ये मर्ज नहीं बल्कि मर्डर है, मर्जर नहीं मर्डर है, क्योंकि स्कूलों का आज जो है पूरा हरियाणा की अगर हम बात करें तो RTI से खुलासा हुआ है 5,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और इस तरह से अगर शिक्षा को ख़त्म करने का ये एक सुनियोजित तरीका है। और हम तो मांग करते हैं हरियाणा सरकार से कि कम से कम आप अध्यापक तो दें, ताकि ये बच्चे, मैं कहना चाहता हूँ खट्टर साहब से कि इन स्कूलों में गरीबों के बच्चे ज़्यादा आते हैं, चाहे वो दलित हैं पिछड़े हैं या अन्य गरीब आदमी है। आज जिस प्रकार से स्कूलों में टीचर्स के पद समाप्त किए हैं, तो इससे इसका मतलब सीधा ये है कि ये शिक्षा को समाप्त करना चाहते हैं।